आप गेस्ट स्कूल गेस्ट रूल्स और डबल डिग्री के रूल्स समझ लें। डबल डिग्री के रूल्स क्या बोल रहे हैं इस पे हम बात करेंगे। यदि आपने कोई दो डिग्री ले रखी है एक साथ एक ही सत्र में, तो एक डिग्री अगर आपने रेगुलर की है तो एक स्वाध्याय होना चाहिए। ये इसके नियम है। मतलब एक हमने रेगुलर स्कूल जाकर किए हैं और एक हमने स्वाध्याय का मतलब होता है प्राइवेट टाइप करना, कि मतलब केवल हम घर बैठ के पढ़ाई करते हैं। अगर दो इस प्रकार की डिग्री प्राप्त करते हैं तो भी हम क्वालिफाई होंगे। फिर बात करते हैं गेस्ट फैकल्टी के तीन रूल्स हैं। इन तीन रूल्स में वो क्या बोलता है कि आपको 200 दिन होना चाहिए, 200 दिन प्लस तीन सत्र होना चाहिए। अगर आपने 200 दिन पढ़ाया और तीन सत्र, मान लो कोई ऐसा सत्र फंस गया आपका कि एक सत्र में आपके दो ही दिन है, दूसरे सत्र में आपके 150 दिन हो गए और तीसरे सत्र में भी आपके कितने हो गए 100 दिन, यहां इसके 252 हो गए, मतलब कितने दिन हो गए 200, और एक सत्र दो सत्र तीन सत्र, तो ये कैंडिडेट कहां चला जाएगा? गेस्ट फैकल्टी में। लेकिन बाशर्त अगर उसने गेस्ट फैकल्टी में पढ़ाते पढ़ाते या तो बीएड किया है या एमएससी किया है तो उसके वो सत्र कट जाएंगे और उसे नॉन गेस्ट में डाल दिया जाएगा। मतलब वो गेस्ट की सीट नहीं उठा पाएगा, वो नॉन गेस्ट की उसके नंबर के अकॉर्डिंग सीट उठाएगा, लेकिन पहली काउंसलिंग के बाद। उन्हें कब पता लगेगा? जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने जाएंगे तब पता लगेगा कि भाई इसके पास तो तीन सत्र है नहीं, तो वो वहां से आपको उठा देंगे, वो नॉन गेस्ट में डाल देंगे। अब नॉन गेस्ट में आपकी रैंक वहां तक अगर आती है तो सिलेक्ट होंगे, नहीं तो आपको रुकना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। तीन नियम देख लेते हैं। यदि अतिथि रहते आपने कहीं पर डिग्री की है तो आपके वो सत्र काटने के बाद यदि तीन सत्र और 200 दिवस होंगे तो आप अतिथि में मान्य होंगे। दूसरा नियम है कि यदि अतिथि रहते, यदि क्या किया आपने, अतिथि रहते यदि आपने किसी अन्य स्थान से डिग्री की है, यानी आपका जिला अलग ही हो गया 50 किलोमीटर से दूर, देखो कौन है 50 किलोमीटर से दूर, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में हम देखेंगे, ओपन द डोर, उस कंडीशन में हम देखेंगे कि यहां पर अगर उसका जिला दूसरा है, मैं जिला टू जिला बात कर रहा हूं, मान लो एक जिला से उसने यहां पे किया और उसने दूसरे जिले से क्या किया है, डिग्री की है, मतलब वह गेस्ट फैकल्टी में किसी एक जिले में पढ़ा रहा है और उसने डिग्री की है, वो दूसरा जिला है, तो जिले से जिले की दूरी क्या हो गई? दूर हो गई, तो वो आपके सत्र कट जाएंगे। तीसरा नियम क्या बोलता है कि यदि आपने उसी जिले में गेस्ट फैकल्टी का कार्य किया है और उसी जिले में आपने डिग्री की है, उसी जिले में आपने क्या किया, डिग्री की है और आपकी दूरी 20 से 25 किलोमीटर की दूरी है, तो आपके वो तीन सत्र मान लिए जाएंगे डिग्री के साथ भी। ये नियम कोई नहीं बताएगा, पता ही नहीं है लोगों को। ऐसी कोई भी भाई समस्या होना तो ये मुकेश जाट आपकी सेवा में है। आप बस एक मैसेज कर दीजिएगा कि सर मेरी ये प्रॉब्लम है, आपका नाम जरूर लिख देना, है ना, क्योंकि बेनाम बादशाह से मैं बात नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे नाम अगर बता दोगे तो मुझे क्लियर हो जाएगा आप किस कैटेगरी में हो, आप ये नंबर क्या है, आपको क्या करना है, इसके लिए मैं बैठा हूं। अगर मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाया तो मैं व्हाट्सएप के माध्यम से आपको सारी जानकारी दे दूंगा, समय मिलने पे आपको मैं कॉल कर दूंगा, कॉल बैक में खुद कर दूंगा, कोई इशू नहीं। आप मेरे छोटे भाई बहन के समान हो, आप मेरे दोस्त हो, आप मेरे कुछ सीनियर भी होंगे, आप सब मेरे लिए और मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। आपको क्या करना है, ये बस थोड़ा सा सब तक पहुंचा देना, किसी गरीब का भला हो जाएगा तो भगवान आपको भी क्या देगा, भगवान आपको भी ये समझ लेना कि कुछ अच्छा ही देगा। आपने किसी का भला किया, जब हम किसी का भला करते ना तो भगवान हमको और कुछ देता है, अच्छा देता है, तो आपको भी भला करना है। इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचा देना, इतना मुझ पे कृपा कर देना, और प्रभु ईश्वर को मानते हुए हम किसी का भला करेंगे तो कर भला हो भला, ठीक है। ये नियम थे, इसमें भी कुछ समझ में नहीं आया तो मेरे को बताना, मैं आपको बताऊंगा। आप यहां पे मैं फिनिश करता हूं और इसी के साथ में बस इतना ही मुझे बताना था, वो वास्तव प्लग, घबराए नहीं,
मैं आपके साथ में हूं, मेरी टीम आपके साथ में है, और हम लोग जो है इसके पूरे नियम गाइड, इसके पूरे भर्ती के नियम जो होंगे उस पे हम बात करेंगे। किसी भी साथी को कोई समस्या हो तो मैंने फिर बताया है 9009377470 पर व्हाट्सअप करके अपना अपना नाम जरूर लिखे और मुझे बताए आपके कितने नंबर है, तो मैं आपकी श्योरिटी करूंगा, काउंटिंग बढ़ती जाएगी, मुझे और आसानी होगी आपको बताने में। ठीक है, यही पर क्लास को मैं विराम दूंगा। इसी के साथ आपको एक दो चीज और मैं बता रहा हूं कि एडीए की सुनने में आ रहा है कि एडीए की पोस्ट आने वाली है, एडीए की पोस्ट आने वाली है, तो आपको याद रखना है कि अगर कोई एडीए की तैयारी कर रहा है या कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसमें जो फोर्थ ईयर मतलब फोर्थ ईयर पास आउट है, वो एमएससी फर्स्ट में एडमिशन लिया है, तो यहां पर 2 ईयर का फाउंडेशन कोर्स है जो केवल कितने में है, केवल 2000 का फाउंडेशन कोर्स है। यानी कहने का मतलब है आप 2 साल के लिए 2000 का फाउंडेशन कोर्स है एग्रीकल्चर आप पढ़ते रहोगे, क्योंकि 3 महीने 6 महीने में सिलेक्शन नहीं होता है। जो जिन्होंने तैयारी की उनसे पूछो, लंबी रेस का घोड़ा बनना पड़ेगा तब जाकर हम इसे हासिल करेंगे और आगे भी पोस्ट आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अधिकारी रिटायर हो रहे हैं, होते जा रहे हैं, हर 3 साल में टेट भी आएगा, हर 3 या 4 साल के अंतर्गत आरईओ भी आएगा, क्वालिटी कंट्रोलर भी आएगा, है ना, यूपी में यूपी टेट भी आने वाला है। तो कहने का मतलब ये है राजस्थान में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर पोस्ट आएगी, बस आप क्या कंप्लीट कर ले, अपना फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट कर ले। मैं ट्रिकी गुरु मुकेश जाट आपको ट्रिक के माध्यम से पढ़ाता हूं, जो पढ़े हैं उनको पता है, बहुत आनंद आता है, बहुत मजे आते हैं पढ़ने में, क्योंकि हम पढ़ाता तो कोई भी है लेकिन हम याद भी कराते हैं, वहीं पर याद होता है। तो अगर हमारा 30% कोर्स भी याद होता है तो हम कहीं ना कहीं जीत की ओर जाते हैं। और मैंने जो बुक लिखी है कृषि ब्रह्मास्त्र बुक, वह आपकी अपनी भाषा में लिखी हुई है, इसलिए आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। और जो बुक लिखी है और जो टीचर भी काम करते हैं उन्हें अपनी एक बुक लिखना चाहिए, ताकि उन्हें भी क्या है अपने बच्चों स्टूडेंट को, क्योंकि वो वर्किंग तो करते हैं लेकिन वर्किंग को सही दिशा की ओर अगर ले जाएं तो वह अपने भविष्य, अपने स्टूडेंट के भविष्य को संवार सकता है। ठीक है, इसी के साथ आज के लिए इतना ही। कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने साथी को बताइएगा, और जो भी कोई हेल्प हो तो मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं आपकी हेल्प के लिए सदा खड़ा हूं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।